सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। विदेशी बाजारों में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोयाबीन दाना और लूज और सोयाबीन डिगम तेल और बिनौला तेल कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं साधारण कारोबार के बीच सरसों एवं मूंगफली तेल तिलहन सोयाबीन दिल्ली और इंदौर तथा सीपीओ एफ पामोलियन तेल की कीमतें पूर्व स्तर पर बंद हुई। एक महीने पहले तक लोकल मंडियों में 320 रुपए प्रति किलो तक बिकने वाला नींबू अब 120 से 180 रुपए प्रति किलो तक बिकने लगा है। इसकी कीमत में एक महीने के अंदर ही करीब 60% तक की गिरावट आई है, जिसकी वजह से कई राज्यों में से नींबू की आवक अधिक होना बताया जा रहा है। वहीं भीषण गर्मी में नींबू की कीमतों में आई गिरावट से लोगों को काफी राहत मिली है। वहीं लोकल मंडियों में 10 रुपए के 4 नींबू मिल रहे हैं। नमक पर भी अब महंगाई की बुरी नज़र पड़ गई है। आने वाले दिनों में नमक भी महंगा होने की इसमें आशंका है और ये जोर पकड़ने लगी है। साथ ही बता दें, नमक का उत्पादन 30% तक गिर सकता है। देश के सबसे बड़े नमक उत्पादक राज्य गुजरात में फसल के मौसम की शुरुआत में देरी के कारण ये परेशानी खड़ी हो गई है। अगर उत्पादन घटा तो नमक के रेट भी बढ़ते नजर आएंगे। खाद्यान्न सोयाबीन धान की भरपूर पैदावार करने वाले मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के नर्मदापुरम जिले में इस बार अपने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई का सबसे अधिक बुआई का रिकॉर्ड यहां पे इसने बना लिया है। इस बार नर्मदापुरम जिले में 2,32,000 हेक्टेयर में मूंग की बुआई हुई है। देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश के किसानों की परेशानी बढ़ गई है। यहाँ के कुछ बाजारों में प्याज का दाम न्यूनतम सिर्फ 150 से 250 रुपए प्रति क्विंटल तक रह गया है। इस साल गेहूं की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से अधिक चल रही है। वहीं कारण ये है कि किसान सरकारी खरीद एजेंसियों पर गेहूं बेचने के बजाय सीधे व्यापारी को बिक्री कर रहे हैं। वहीं पैदावार में कमी और लक्ष्य से आधी सरकारी खरीद के बाद यह चर्चा चल रही है कि सरकार एक्सपोर्ट को नियंत्रित करने का निर्णय ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो गेहूं की कीमतों में गिरावट दर्ज होगी। प्याज के कम रेट को लेकर मचे हाहाकार के बीच नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि नाफेड ने महाराष्ट्र से प्याज खरीदने के लिए नए रेट तय कर दिए हैं। अलग अलग जिलों में किसानों को 927.92 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर ये 1180 से ज्यादा रुपए तक का ये दाम इसमें मिलेगा। आम आदमी को अप्रैल में महंगाई के मोर्चे पर झटका लगा है। खाने पीने के सामान से लेकर तेल के दाम बढ़ने से महंगाई 8 साल के पीक पर पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई आधारित रिटेल महंगाई दर अप्रैल में बढ़कर 7.79% हो गई। रुपए की गिरावट का असर अब घरेलू उपकरणों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों पर पड़ने वाला है। बाजार के जानकारों की माने तो टीवी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज की कीमत बढ़ सकती है। मई के अंत या जून के पहले सप्ताह से इनमें 3-5% तक की बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में आज से गर्मी के तेवर और तीखे होने वाले हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार आज से रविवार तक में लू चलेगी। इस दौरान मौसम साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी, जिससे अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं यही वजह है कि लू की स्थिति और बन रही है। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।